नमस्ते, आज हम बात करेंगे पैरों को दर्द को निजात देने वाले योगासन के बारे में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभ्यास पहला, पैरों की उंगलियां मोड़ना। विधि, अपने पैरों को शरीर को की सीध में सामने फैलाकर बैठ जाएं। अपने हाथों के सहारे थोड़ी पीछे की ओर झुक जाएं। हाथ सीधे रखें, कोहनी न मोड़ें। पैरों की उंगलियां धीरे धीरे आगे पीछे मोड़ें। इस क्रिया को आप 10 बार दोहरा सकते हैं। योगा करते वक्त आप किसी भी प्रकार के अपने शरीर में जोर जबरदस्ती नहीं करना है। जितना संभव हो उतने ही आपको अपने पैरों को आगे पीछे करना है। आज दूसरा, टखने को मोड़ना। विधि, अभ्यास पहले के मूल स्थिति में बैठे रहिए। टखनों को जोड़ों से झुकाते हुए दोनों पंजों को जितना संभव हो सके उतना आगे पीछे मोड़िए। इस क्रिया को आप 10 बार दोहरा सकते हैं और अपने शरीर में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती नहीं करना है। अभ्यास तीसरा, टखने को वृत्ताकार दाएं बाएं घुमाना। विधि, अभ्यास पहले की मूल स्थिति में बैठे रहें। पैरों को सीधा रखते हुए उनके बीच में कुछ फासला छोड़ें। एड़ी को जमीन पर रखते हुए दाहिने पंजे को टखने से दाईं ओर तथा फिर बाईं ओर वृत्ताकार घुमाएं। इस क्रिया को आप 10 बार दोहराएं। इसी अभ्यास को बाएं पंजे से भी करें। चौथा, टखने को उसकी धुरी पर घुमाना। विधि, मूल स्थिति में बैठे रहें। दाहिने टखने को बाईं जांघ पर रखें और बाईं हाथ की सहायता से दाहिने पंजे को पहले दाहिनी ओर से तथा फिर बाईं ओर से वृत्ताकार घुमाएं। ऐसे ही 10 बार करें। यह क्रिया बाएं पंजे से भी करें। इस योगासन को सावधानीपूर्वक करें और आपके पैर में किसी भी प्रकार का दर्द हो सकता है, साटिका भी हो सकता है, कहीं आप गए होंगे पैदल तो आपका भी पैर दर्द कर सकता है। इसीलिए आप एक घरेलू उपाय भी उपयोग में ला सकते हैं, वह है गर्म पानी। हल्का सा गर्म पानी हो उसमें थोड़ा नमक डाल दें और 2-4 मिनट के लिए आप अपने पैर को वहाँ पर डुबा कर रखें तो आपका पैर रिलैक्स महसूस होगा आपका पैर। और इस योगासन को रोजाना करें आपका पैर दर्द करता हो तो। आपको किसी भी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बेझिझक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।